हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं फैंसी एक नेट का सूट डिज़ाइन पार्टी वियर बताऊंगी, सिंपल नेट का। तो देखिए, इसके लिए हमने नेट फैब्रिक जो लिया है 2 मीटर है, और लाइनिंग का कपड़ा है जो 1.5 मीटर है, और कपड़े को फुल फुल में कर लेना है। और इसका लेंथ जो है 35 इंच रखेंगे, और शोल्डर जो है 7 इंच रखेंगे, और आर्म होल भी हम 7 इंच ही लेंगे। तो देखिए 36 इंच इसके चेस्ट है, तो चौथा भाग हम 9 इंच पर मार्क करेंगे, और 2 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो देखिए एक मार्क मैं 14 इंच पर रखूंगी, ये भी अपना अकॉर्डिंग रखिएगा, लंबाई के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है, अपने सूट से नाप लीजिएगा। तो देखिए बीचों बीच आपको मार्क कर लेना है, और देखिए यहाँ पर कमर है 32 इंच, तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैं 9 इंच पर ही मार्क करूँगी, क्योंकि ये भी 36 इंच है। तो देखिए आर्म होल का गोलाई हम 1.5 इंच पर रखेंगे, क्योंकि अभी हम 1.5 इंच पर ही कट कर लेंगे, फिर बाद में आपको 1/2 इंच हम कट कर लेंगे। तो देखिए हम 11 इंच इसका जो चौड़ाई है रखेंगे, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको चौड़ा पसंद है तो आप चौड़ा भी रख सकते हो, और कम पसंद है तो यहाँ पर आप कम कर लीजिएगा, घेरा अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा। तो चलिए हम पूरे पार्ट को पहले कट कर लेते हैं। और फ्रेंड, मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इसका नेक विड्थ हम 4 इंच रखेंगे। और नेक का लंबाई जो है 1.5 इंच पर रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, आपको दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेट फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया हुआ है। और देखिए 2 इंच पर एक मार्क करूंगी, और उसे आपको सीधे लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पर नेट फैब्रिक और अस्तर दोनों पार्ट को एक ही साथ कट कर लेना है। और यहाँ पर केवल अस्तर के कपड़ा ही कट करना है। तो देखिए फाइनली हमने कट कर लिया हुआ है। तो देखिए हमने अस्तर से नेट फैब्रिक की जो लंबाई है हम 5 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो देखिए ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट का नेक विड्थ हम रखेंगे 4 इंच, क्योंकि फ्रंट पार्ट का 4 इंच है, तो बैक पार्ट को भी हम 4 इंच ही लेंगे। और इसका लंबाई हम रखेंगे, गले का लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। और देखिए यहाँ पर हम डिजाइन शेप करेंगे। तो देखिए एक मार्क हम 1.5 इंच पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नेट फैब्रिक के केवल दिखना चाहिए। तो चलिए यहां पर भी नेट फैब्रिक और कपड़े को दोनों पार्ट को एक ही साथ कट कर लेना है। और यहां पर केवल अस्तर वाले कपड़े को ही कट करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को वैसे ही 5 इंच एक्स्ट्रा मैंने नेट फैब्रिक को यहाँ पर भी लिया हुआ है। तो देखिए बाजू का लंबाई हम 11 इंच रखेंगे, और 5.5 इंच पर इसका 11 इंच गोलाई है, तो हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रिल का लंबाई हम 7 इंच रखेंगे।
तो देखिए ये को बीचों बीच हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसे बीचों बीच कट कर देंगे। ये बाजू का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनेंगे फ्रेंड्स। इसका मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है बाजू का, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम गले बना लेंगे। फ्रंट पार्ट को पहले गले को बनाएंगे, तो उसके लिए हमने उरेबी पट्टी जो कट किया हुआ है, आप इसे तिरछी पट्टी भी कह सकते हो, और इसे 2 फोल्ड करके हम गले पर ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम पूरे गले पर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे ज्वाइंट कर लिया हुआ है। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो भी कट देंगे ताकि फिनिशिंग से दिखे। तो चलिए हमने कट कर दिया, इसे अंदर की तरफ से मोड़कर सिलाई अटैच कर देना है। ये सूट जो बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा आप लोग का कैसा बना। तो चलिए इसे हम पूरे सिलाई को अटैच कर लेते हैं पहले। तो देखिए फाइनली मेरा गले बन गया है। तो देखिए जो अस्तर वाले कपड़े हैं यहाँ पर हम सीधे, ये कपड़ा उरेबी पट्टी नहीं है, सीधे आपको कट कर लेना है 1.5 इंच के इसके चौड़ाई में। तो देखिए हमने जो कपड़ा थोक कम था उसे जोड़ भी सकते हैं आप, तो मैं भी जोड़ दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। आपको हमेशा गले पर कट्स लगा लें, बहुत ही फिनिशिंग से आते हैं। तो देखिए इसे अंदर की तरफ से 1 फोल्ड करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे गले को सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए फाइनली हमने गले पर सिलाई अटैच कर दिया हुआ है और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए इस पर भी हम पूरे नेट और कपड़े पर सिलाई अटैच कर देंगे। आपको यहाँ पर पिनअप कर लेना है, नहीं आपके पास पिनअप पिन है तो आप इसे पहले टॉप लगा लें फिर ऊपर से सिलाई अटैच करें। तो देखिए फाइनली मेरा फ्रंट पार्ट के जो नेक है वो बन चुके हैं और जो एक्स्ट्रा का नेट है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए नेट और कपड़े पर पूरे में हम सिलाई अटैच कर देंगे ताकि आपको सिलते वक्त इधर उधर ना खिसक पाए और फिनिशिंग में कोई परेशानी हो। तो ऐसे ही पूरे नेट और कपड़े को सिलाई अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही दूसरा तरफ भी सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए फाइनली हमने पूरे में सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। तो चलिए हम बैक पार्ट को भी गले को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पर बुकरम को गले जो है कट कर लिया है और इस पर भी हम पिनअप कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे सिलाई अटैच कर लेते हैं।
तो देखिए इसे पूरे में सिलाई को अटैच कर लिया हुआ है और जो पिनअप किया उसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और इसे अंदर की तरफ से मोड़कर एक सिलाई ऊपर से हम चला लेंगे ताकि जो गला है अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए पूरे गले पर बैठ गया है, कितना ही अच्छे से गले जो है तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स जो नेट फैब्रिक के गले जो हमने कट किया हुआ था उसे उरेबी पट्टी से गले को बनाना है। तो देखिए उरेबी पट्टी हमने नेट पार्ट को ही कट किया हुआ है और बैक पार्ट को गले को बना लेंगे। तो चलिए इस पर भी हम पूरे में ऐसे ही सिलाई धीरे धीरे अटैच करेंगे। नेट फैब्रिक को आपको धीरे धीरे सिलाई अटैच करना है ताकि इधर उधर ना हो जाए। आप अच्छे से उरेबी पट्टी को ज्वाइंट करेंगे नेट फैब्रिक पर गले पर तो बहुत ही आपको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। लेकिन हाँ आपको बारीकी से सिलाई को अटैच करना है। तो देखिए वैसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर दिया है और यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ से मुड़कर सिलाई को अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे गले पर सिलाई को अटैच कर लेते हैं। देखिए फाइनली हमने सिलाई को अटैच कर दिया है। तो देखिए इस तरीके के आपको जो गले पर आएंगे तो यहाँ पर पहले हम पिनअप कर लेंगे ताकि जो इधर उधर कपड़ा जो खिसक ना पाए और गला का जो फिनिशिंग है अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए ऐसे ही पूरे गले पर हम सिलाई को अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे गले पर हम सिलाई पहले अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमने सिलाई को अटैच कर दिया है और इस पर भी हम बैक पार्ट पर भी अस्तर और नेट फैब्रिक पर पूरी सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे में सिलाई को अटैच कर दिया है। वैसे ही दूसरा साइड भी नेट और अस्तर के कपड़े पर सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए जो शोल्डर है चलिए शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हम दो सिलाई अटैच कर देंगे।
तो देखिए फाइनली मेरा जो शोल्डर है ज्वाइंट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम बाजू को बनाएंगे। तो देखिए बाजू को जो फ्रिल हमने कट किया हुआ है इस पर भी हम उरेबी पट्टी से ही बनाएंगे। तो देखिए उरेबी पट्टी हमने कट कर लिया, इसे दो फोल्ड में करके इस फ्रिल पर सिलाई अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से आपको पूरे में सिलाई को अटैच कर देना है। तो देखिए ऐसे ही पूरे में सिलाई को अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही चलिए पूरे में सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम छोटी छोटी कट्स लगाएंगे ताकि अच्छे से जो फ्रिल है अच्छे से इसका फिनिशिंग आ जाए। और इसे भी अंदर की तरफ से मोड़कर सिलाई अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जहाँ पर आपको यहाँ पर नोक दिखे तो वहाँ पर एक प्लेट्स में लगाएंगे, फिर सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरी में सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमने पूरे में सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर 5.5 इंच पर हमने एक मार्क किया हुआ है और इसमें हम छोटे से कट्स लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने बाजू फ्रिल को कट किया हुआ है यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे आपको बाजू पर। तो देखिए फाइनली हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो देखिए ऐसे ही हम दूसरा बाजू को भी रेडी कर लेंगे और बीच साइड से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम पूरे पर सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमने बाजू को अटैच कर लिया हुआ है। वैसे ही हम दूसरा साइड भी बाजू को अटैच करेंगे। तो चलिए दूसरा साइड ऐसे ही पूरे सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आर्म होल के 1/2 इंच डाउन किया हुआ है, वो फाइनली मैंने दिखा नहीं पाई हूँ। तो चलिए वैसे ही दूसरा बाजू भी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली मेरा दोनों बाजू बन के रेडी हो चुके हैं। और इस कपड़े को पहले हम अच्छे से
सीधे कर लेंगे ताकि फिटिंग वर्क करने पर आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पर बाजू का है जो चौड़ा है 5.5 इंच। तो चलिए इसे हम फिटिंग मार्क कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने फिटिंग मार्क के लिए लेकर आ गए हैं। तो देखिए आपको बाजू के 5.5 पर मार्क करेंगे और 32 इंच 36 इंच चेस्ट है तो हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर एक मार्क हम 32 इंच पर करेंगे क्योंकि कमर मेरा 32 इंच है, तो उसका चौथा भाग हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 9 इंच पर क्योंकि ये भी 36 इंच है। वैसे ही दूसरा तरफ भी हम मार्क कर लेंगे 5.5 इंच पर, और चेस्ट है 36 इंच तो 9 इंच पर मार्क करेंगे और फिर 8 इंच पर एक मार्क करेंगे 32 इंच है। तो चलिए ऐसे ही पूरे पर मार्क कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हम मशीन पर आ गए हैं। तो चलिए पूरे में ऐसे ही सिलाई को अटैच कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको लाइन पर आपको सिलाई को अटैच कर देना है। तो चलिए पूरे में सिलाई पहले अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हम एक सिलाई और यहाँ पर अटैच कर देंगे ताकि दो सिलाई रहते हैं तो आपको कम या ज़्यादा होने पर निकाल देते हैं धागे को। तो चलिए ऐसे पूरी सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमने सिलाई अटैच कर दिया है। वैसे दूसरा तरफ भी सिलाई को अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम साइड भी वन फोल्ड करके यहाँ पर पहले पिनअप कर लेंगे ताकि इधर उधर न खिसक पाए। तो चलिए इसे वन फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है अस्तर और नेट फैब्रिक को दोनों को पहले पिनअप कर लेना है ताकि कम ज़्यादा ना हो जाए। तो देखिए इसी तरह से आपको अस्तर और कपड़े को वन फोल्ड करना है, फिर ऊपर से एक सिलाई अटैच कर देना है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सीधे लाइन ड्रॉ करना है ताकि आपको जो ये इधर उधर ना हो और इसका जो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएंगे तो आपका जो अच्छा नहीं लगते हैं, इसलिए आपको कपड़े को सीधे एकदम आपको रख लेना है और फिर वन फोल्ड करके सिलाई को कंप्लीट करना है। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरा साइड भी सिलाई को अटैच करेंगे। तो देखिए फाइनली हमने दोनों तरफ से सिलाई को कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो चलिए नीचे के पार्ट को भी वन फोल्ड करके हम सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे पूरे में सिलाई को अटैच कर देना है। तो देखिए फाइनली हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है।
तो देखिए एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसे भी कट कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई और अटैच कर देंगे ताकि जो ये अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए ऐसे ही पूरे में धागे को अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम चारों तरफ से सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच और दूसरा तरफ भी 3 इंच के ऐसे ही पार्ट तैयार किया हुआ है और एक पार्ट में 5 इंच का कट किया हुआ है, तो इसे हम 5 इंच गोलाई में कट किया हुआ है। तो देखिए इस तरीके का आपको यहाँ पर सिलाई को अटैच करना है। तो देखिए हमने यहाँ तो देखिए फाइनली मेरा जो लटकन है एक रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे ही दूसरा भी हम अटैच करेंगे यहाँ पर। ये लटकन जो बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा, ब्लाउज पर भी बना सकते हो और सूट पर भी। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली लटकन बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा जो है डिजाइन है। तो चलिए इसे हम गले पर अटैच कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत जो है लटकन बना हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत है। तो फाइनली मेरा सूट बन के रेडी हो चुके हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।